हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है, कितने दिन इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन आता है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का और जो इसका MRP है वो है 56 रुपये 67 पैसे एक इंजेक्शन का। इसमें सॉल्ट होता है सेफ्टेक्जोन 1 ग्राम, यानी कि 1000 mg का ये इंजेक्शन होता है। मार्केट में आपको 500, 250 और 125 mg में भी मिल जाएगा। दोस्तों, सेफ्टेक्जोन का मेन काम, यानी कि मोनोसेफ का मेन काम होता है बैक्टीरिया के संक्रमण को रोककर प्रॉब्लम को ठीक करना। और दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर इंजेक्शन है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत सी प्रॉब्लम में किया जाता है, बहुत सी बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, दिमागी बुखार, आंतों में बुखार, आंख, नाक, कान में कोई इन्फेक्शन होना, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, फोड़ा, फुंसी, कोई पुराना जख्म हो या नया जख्म हो, आग से जल जाने पर, ऑपरेशन के बाद आने वाले टांके, एक्सीडेंट में घायल मरीजों को और टांकों में पड़ने वाली मवाद को ठीक करने के लिए, और यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना या फिर पेशाब में खून आना और सफ़ेद पानी आना जैसी समस्याओं में, और ये टाइफाइड के बुखार के लिए बहुत बढ़िया इंजेक्शन होता है। अंदरूनी किसी भी प्रकार का बुखार हो, हड्डी पर बुखार हो, उसमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और इसका जो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग पेट में सूजन, पेट में इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का अंदरूनी कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो, हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फिर स्किन इन्फेक्शन हो, चर्म रोग हो, उसमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फेफड़ों के अंदर रेशा जम जाता है जब, और घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है इसिनोफिलिया की वजह से, तब भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। गनोरिया की प्रॉब्लम और महिलाओं और पुरुषों के गुप्त अंगों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल इंजेक्शन होता है और बहुत सी बीमारियों में इसे लगाया जाता है। मैंने मेन मेन आपको बता दिया है। और इस इंजेक्शन को दर्द में भी कई डॉक्टर्स लगाते हैं, जैसे कि पेट दर्द हो या फिर किसी भी प्रकार का दर्द हो, उसमें भी इस इंजेक्शन को लगा देते हैं, तो उसमें भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस इंजेक्शन को आपने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान भी होते हैं, जैसे कि मतली आना, चक्कर आना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, खुजली, एलर्जी, सिर दर्द, ये सब इसके नुकसान हो सकते हैं, तो इसे आप अपनी मर्जी से बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो दोस्तों, इसे लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। इस इंजेक्शन को IV और IM दोनों प्रकार से दिया जाता है, यानी कि ये बैक साइड में भी लग जाता है और नस के अंदर भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बैक साइड में लगाने पर, मतलब कि पीछे लगाने पर, इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसे ज़्यादातर इस इंजेक्शन को IV यानी कि नस में ही लगाया जाता है और ड्रिप में भी इस इंजेक्शन को डाल दिया जाता है कई बार। और दोस्तों, इस इंजेक्शन का कोर्स जो होता है वो होता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, जैसे कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, तो उसे ज़्यादा दिन भी दिया जा सकता है, जैसे कि 7 दिन, 5 दिन या फिर 3 दिन। इसके साथ हल्का कोई एंटीबायोटिक भी चलाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।